साथ टीम न्यूज स्टेट। लोकसभा चुनाव को लेकर गरियाबंद के कोठेना में मौजूद सिरकट्टी आश्रम चर्चा में है। दरअसल आश्रम के पीठाधीश्वर संत गोवर्धन शरण व्यास गरियाबंद सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बीजेपी से दावेदारी पेश कर दी है। संत गोवर्धन दास का कहना है कि यदि बीजेपी से उन्हें टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं उनके समर्थक भी गोवर्धन शरण व्यास को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिरकट्टी आश्रम और पीठाधीश्वर संत गोवर्धन व्यास का प्रभाव महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के लगभग 1000 गांव में है। आश्रम द्वारा 3 जिले में बनाए गए 170 विभिन्न धार्मिक संगठन समिति और शाखा आश्रम से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां उनके भक्त उनकी जीत का दावा कर रहे हैं। जो मेरे भक्त हैं वो मुझे ही प्रेरित कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा जीवन तो समाज के लिए है और समाज की सेवा के लिए मैंने अपने जीवन को वैराग्य में जीवन में वैराग्य धारण किया है। अगर उनकी इच्छा है और मौका मिलता है तो जरूर समाज के लिए सेवा के लिए आगे आऊँगा। राजनीति में किससे प्रेरित हैं आप? जी, मैं आज के जो परिवेश है, धार्मिक परिवेश, सनातन को जगाने का जो काम है, वो योगी और मोदी जी जो काम कर रहे हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ और उनका उनके साथ खड़े होकर उनके साथ सेवा करना चाहता हूँ। जी, हम चाहते हैं बाबा सांसद बने, क्योंकि हमारा जो राजिम क्षेत्र में और सिरकट्टी आश्रम पावन धाम में उसका वर्चस्व बहुत ज़्यादा है और हमारे क्षेत्र में तो अधिक यज्ञ हवन पूजन कार्यक्रम हमेशा करवाते रहते हैं। इस क्षेत्र के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण गुरु है जी, और निस्वार्थ सेवा करते हैं।